छक्कों की बौछार कर रहे थे धवन, फिर गेंदबाज ने फेंकी 151 की रफ्तार वाली गेंद, थम गया सफर। पहले टी डट में न्यूजीलैंड के द्वारा दिए गए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान टीम इंडिया ने शुरुआती विकेट रोहित शर्मा के रूप में जल्दी ही गंवा दिया, लेकिन शिखर धवन ने छक्कों चौकों की बौछार करते हुए टीम इंडिया को मैच में बनाए रखा। लेकिन इसी बीच गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने एक ऐसी गेंद डाली जिससे धवन पूरी तरह से चकरा गए। दरअसल यह 151 की रफ्तार वाली यॉर्कर थी जिसे धवन हैंडल नहीं कर पाए और बोल्ड हो गए। आउट होने के बाद धवन उस गेंद को देखते ही रह गए। इस हार के साथ टीम इंडिया 3 मैचों की टी डट सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 219/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में टीम इंडिया 19.2 ओवरों में 139 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच 80 रन से हार गई। ये भारतीय टीम की टी डट क्रिकेट के इतिहास में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार है। हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि वे छोटे मैदान को देखते हुए ही 8 बल्लेबाजों के साथ उतरे थे, लेकिन निश्चित अंतराल में विकेट गिरने से उनका प्लान काम नहीं कर पाया। रोहित शर्मा ने कहा, यह कड़ा मुकाबला था, हमें विपक्षी टीम ने तीनों विभागों में हरा दिया। हमने शुरुआत अच्छी नहीं की और हमें पता था कि 200 चेज करना आसान नहीं होने वाला, बावजूद इसके कि यहाँ के मैदान छोटे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त हमने निश्चित अंतराल में विकेट बनवाए और इसी वजह से हम मैच में कहीं नजर नहीं आए। हमने पूर्व में ऐसे लक्ष्य चेज किए हैं और इसी वजह से हम 8 बल्लेबाजों के साथ खेले थे, लेकिन चेज के दौरान हम छोटी छोटी साझेदारियां नहीं कर पाए और इसी वजह से हमारे लिए स्कोर चेज करना कठिन हो गया। लेकिन इसी बीच न्यूजीलैंड टीम काफी अच्छा खेली, उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप निभाई जिससे उन्हें बड़ा स्कोर बनाने में मदद मिली।